हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक योर फ्यूचर एंड दिस इज डॉक्टर विपिन गोयल। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारी डेली जीएस बूस्टर सीरीज एंड जिसमें आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल हैं। ठीक है, सो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आपको अभी जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वीडियो डाली थी एंड मैं उस सीरीज को आगे कंटिन्यू करूंगा, यानी कि पॉलिटी डिस्कस करने वाला हूँ। एंड पॉलिटी के बाद जो होगा मेरे जो क्वेश्चन सीरीज भी आपके पॉलिटी के ऊपर बेस्ड होगी, बट दैट इज नॉट ऑन द टॉपिक बेस्ड। ध्यान रखना, पॉलिटी बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे एंड पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन को ही हम आपके सॉल्व करेंगे। एंड जैसे ही हमारा पॉलिटी का सेक्शन खत्म हो जाएगा, हम हिस्ट्री पे आएंगे और हिस्ट्री के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करते जाएंगे एंड साथ साथ हम फाइनली जो है हमारा आगे प्रोसेस चलता जाएगा। क्लियर? सो अगर आप मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर। क्लियर? आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर फॉलो करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अनअकैडमी की लर्नर ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पे मेरा नाम सर्च करना है डॉक्टर विपिन गोयल और मेरे यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज जो है शामिल है। आपको मेरी प्रोफाइल इस तरीके से दिखेगी एंड यहाँ पे आपको फॉलो बटन दिखाई देगा एंड फॉलो बटन को आपने आपको क्लिक करके आपको मुझे फॉलो कर लेना है ताकि यहाँ पे जो भी मैं वीडियो डालता हूँ वो आपको तुरंत उसी टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लियर? So, आज के लिए लेक्चर के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो है हमारे 20-20 क्वेश्चंस हैं। बिना टाइम वेस्ट के हम क्वेश्चंस पे आते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में ये डेट्स किसके साथ मैच करती हैं। सो फर्स्ट है जी हमारा 5th जून। जो 5th जून होता है वो होता है हमारा एनवायरमेंट डे। क्लियर? सो इट मीन्स सी और डी में से ऑप्शन होगा हमारा। क्लियर? दूसरा है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को होता है आपका वर्ल्ड एड्स डे, यानी कि 3, दोनों में 3-3 है। 5 सितंबर जो होता है ये हमारा दिन होता है एक्चुअली, दिस इज अ टीचर्स डे। एंड 16 अक्टूबर इज द फूड डे, दैट मींस 3 का 4 है, 4 का 1 है, दैट मींस सी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडी इंडेक्स जिसे आप कहते हैं, एचडी इंडेक्स के अंदर जो पहली बात, तो एचडी इंडेक्स जो है वो यूएनडीपी देता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इस चीज को जो स्टार्ट किया था पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक एंड जो हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट है अमर्त्य सेन, उनके दोनों की योगदान से हमारा एचडी जो इंडेक्स आने लगा। और एचडी इंडेक्स के अंदर हम जो चीज बात करते हैं, हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, हम पर्सन किस तरीके से जी रहा है, उसके पास सारी चीजें हैं, कुकिंग ऑयल है, हाउस है, सब चीजें जो उसके रहने सहने के लिए चाहिए होती है। क्लियर? और दूसरा हमारी है एजुकेशन की, हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और खुद पढ़ा लिखा है या नहीं, एंड उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, यानी कि वो कितनी पर्सन कितना कितनी देर तक जी सकता है और उस देश के अंदर कितनी जो एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है। ठीक है, बट दिस इज नॉट डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ एनवायरमेंट, सो कंडीशन ऑफ एनवायरमेंट इज नॉट इंक्लूडेड, सो इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ओनली 1, 2 एंड 3, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी सॉइल होती है जहां पे जो एयर स्पेसिस होते हैं एंड लूजली पैक्ड होती है, यानी कि आपकी इस तरीके से सॉइल होती है, खुली खुली सी सॉइल पड़ी होती है, एंड ये होती है आपकी सैंडी सॉइल। क्लियर? सैंडी सॉइल याद रखना है आपको, सैंडी सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद फिलोसफी के लिए क्या हमारे इसमें से तथ्य जो है वो सही है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, उपनिषद जो होते हैं वे फिलोसफिकल टेक्स्ट होते हैं। फिलोसफिकल, फिलोसफिकल का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक कहानियां। ठीक है, एंड ये हमारे उपनिषद कितने हैं, 108। क्लियर? सो कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन लिख के बताइए जी, आपका आंसर बताना है आपको, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, यानी कि हमारी जो आत्मा है वो शरीर बदलती है, ये किस उपनिषद में लिखा गया है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ये ध्यान से रखना है, आपको आंसर देना है इस चीज का। क्लियर? उपनिषद क्या कहते हैं कि आपकी लर्निंग है लेकिन कहां से, स्पिरिचुअल टीचर से, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी हमारी जो है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, यानी कि हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, टू ओबे ऑल द वुमेन, नो दिस इज नॉट द ड्यूटी, यहां पे क्या है, टू रिस्पेक्ट ऑल द वुमेन, नॉट ओबे, यहां पे रिस्पेक्ट वाली बात है, यहां ऑप्शन ये गलत हो गया, सीधा ही हमारा आंसर ए हो गया। बाकी आपको देख लेते हैं, साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी कि साइंटिफिक एक्टिविटी आपने लोगों के लिए, सब लोगों के लिए काम करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना है बिल्कुल सही है, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है, इंप्रूव करना है बिल्कुल सही है। ठीक है, सो नॉट पूछा तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वे, ये इसमें से कौन सा फिनोमेना है जो आपको जो है कंक्लूड करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसवर्स वेव्स का मतलब क्या होता है, जैसे ट्रांसवर्स वेव होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर जाती है,
जहां से आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइट इस तरीके से जाती है एंड इस तरीके से परपेंडिकुलर इस तरीके की बात हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, देर आर द टू क्रिस्टल्स, फॉर एग्जाम्पल देर आर द टू क्रिस्टल्स, ठीक है। यहाँ पे दो क्रिस्टल्स बना लिए हमने, लाइट इधर से आ रही है, ये आपका पोलराइजर है और ये आपका एनालाइजर है, यानी कि इसको आप ए एंड बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ए बॉडी के अंदर जैसी लाइट जाती है, जैसे ही ए चीज के अंदर, बॉडी के अंदर जो लाइट जाती है, ये आपकी लाइट विदाउट एनी चेंज इस तरीके से भी निकल जाती है और आगे पास होती है, क्लियर। एंड कोई भी लाइट आपका, जो कोई भी जो लाइट है वो चेंजेस नहीं आए, आपकी लाइट सीधा का सीधा ट्रांसवर्स होगी, ठीक है, मतलब ट्रांसफर होगी। हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये आपका क्रिस्टल ए है, क्लियर, और मैं इधर बना देता हूं क्रिस्टल बी, ठीक है। सो यहां से जैसे लाइट गई, सो लाइट गई तो इस तरीके से लाइट होगी। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते थोड़ा सा इसको अगर हम ऊपर कर ले, लाइट अगर हम इस यहां से बनाए तो लाइट ऐसे गई, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो जब जैसे लाइट इस तरीके से जाएगी, ये तो आपका क्रिस्टल पूरा लाइट देगा, लेकिन जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है जो बी की है वो कम हो जाएगी, ये इमर्ज क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। इट मींस डिक्रीज हो गया, जैसी डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, एट द एंड अगर मैं इस क्रिस्टल को यहां पे ले जाऊं, ऐसे ले जाऊं, तो ऑब्वियसली बात है ये लाइट इमिट करेगा ही नहीं, जाने की जीरो हो जाएगी। दैट मींस इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम ए के परपेंडिकुलर कुछ चीज ऐसे रख दें, परपेंडिकुलर इस तरीके से रख दें, या ऐसे रख दें, मैं बी को ऐसे रख देता हूं परपेंडिकुलरली इसके, ठीक है, तो इट मींस क्या है कि जो लाइट है वो सीधी ही चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे नहीं होगी। सो इसका मतलब शो क्या हो रहा है कि जो लाइट है वो हमेशा आपकी क्या है, ट्रांसवर्स वेव, और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं हम, पोलराइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोलराइजेशन, क्लियर। नेक्स्ट है, कितने परसेंट जो है लोग हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। आपको पता है कि हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, हमारे मैक्सिमम पॉपुलेशन 53% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर जीवित है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, जो कांटे होते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के अंदर, उनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के अंदर जो बारिश होती है वो 200 से 250 mm की बारिश होती है, ठीक है, और उसके बाद जो आपके लीव्स होते हैं, लीव जो है वो आपके थॉर्न शेप हो जाते हैं, यानी कि कांटे निकल आते हैं, कांटे निकल आते हैं इस तरीके से, ठीक है। सो कांटे निकल आते हैं और जो अपने लीव्स होते हैं ये शेड करते जाते हैं सीजनली, जैसे ही सीजन खत्म हुआ, सीजन के अकॉर्डिंग ये जो है आपके जो है जो लीव्स होते हैं वो शेड होते रहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना बारिश का ड्यूरेशन, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आई मीन डेटा है 200 to 250 mm, mm है, ध्यान रखना, नॉट cm, ठीक है। देखते हैं जी, दे अकर इन द एरियाज विच रिसीव रेनफॉल फॉर मोर देन द 60 cm, नो इट्स रॉन्ग, अगेन आपको मैंने बताया है, ठीक है। एंड दूसरा है, दे कंसिस्ट ऑफ हर्ब्स, थॉर्नी ग्रासेस, श्रब्स, नो दे, जो इनके अंदर जो होते हैं वो थॉर्नी आपके लीव्स होते हैं वो शेड कर देते हैं लीव्स, तो थॉर्नी लीव्स हैं, नॉट लाइक दिस, तो ऑल द अबव इज इनकरेक्ट, एंड की नाइदर वन एंड टू इज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन लिटरेचर के लिए सबसे जो अर्लीस्ट वर्क है वो कौन सा किया गया है। ये तो आपको सबसे पता है जी, ऋग्वेदा, ऋग्वेदा जो है हमारा ओल्डेस्ट बुक है, ओल्डेस्ट बुक है, और लिरिक्स की इसके अंदर बात करी गई है, क्लियर, और आपके 10 मंडल है इसके अंदर, क्लियर, और 1028 हाइम्स हैं, क्लियर। ओल्डेस्ट टेक्स्ट है हमारे लिए, लिरिक्स है इसके अंदर, पढ़ने वाला पंडित का नाम क्या होता है, हूत्री, क्लियर, और आपके 10वें मंडल के अंदर कास्ट सिस्टम के बारे में लिखा गया है, 10 मंडल हैं और 10वें के अंदर ही 10th वाले में ही कास्ट सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है, पुरुषुक्ता मंडल कहते हैं उसको, पुरुषुक्ता मंडल, क्लियर, और पुरुषुक्ता मंडल के अंदर ही कास्ट है आपकी, यानी कि आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, ये सारे लिखे गए हैं यहाँ पे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पार्ट के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लिखे गए हैं, पार्ट थ्री के अंदर, ठीक है। पार्ट थ्री को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें राइट्स मिले हैं, मैग्ना कार्टा भी इसीलिए वो बोला जाता है थर्ड के अंदर, क्लियर। और आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल जो है आपके 12 से लेके 35 तक हैं, और यूएस से हमने बोरो किए हैं, और हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं, लेकिन 7th फंडामेंटल राइट हमारे में है ही नहीं, और 7 फंडामेंटल राइट किसके पास है, ओनली जी एंड के पीपल, और 7 जो हमारे पास नहीं है वो है राइट टू प्रॉपर्टी, जो हमारे पास नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है इंडियन सिटीजन के पास, लेकिन जम्मू कश्मीर वालों के पास ये भी क्या है, फंडामेंटल राइट, और ये हमारा क्या बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट, क्लियर, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट,
क्लियर। दोनों राइट्स का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने दे रखा है, लीगल मतलब कानूनी दे रखा है, दोनों में से अगर दोनों ऑप्शन इकट्ठी आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल है तो आपको आंसर क्या लगाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड नहीं आता तो लीगल वर्ड टिक मारना है आपको, ठीक है। दोनों आंसर सही है इसके, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट लगाना है। यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताया ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिया एनिमिलियम इज रिटन बाय अरिस्टोटल, ये आपकी अरिस्टोटल की बुक है जी, ये याद रखना है आपको, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्विस टैक्स जो था वो किस कमेटी की रिकमेंडेशन से लगाया गया था, ये 94-95 में आया गया है जी, ठीक है। और उस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे तो इन्होंने की कमेटी के अकॉर्डिंग ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, क्लियर। ब्लैक सॉइल काली मिट्टी जो है, पहली बात तो आपको मैं बता दूं काली मिट्टी कॉटन के लिए सबसे अच्छी होती है और इसको रेगुर सॉइल भी बोला जाता है, रेगुर सॉइल, ठीक है। और इसके अंदर जो होता है, देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है चीजें। ब्लैक सॉइल जो होती है आपकी वो जो है रिच है मेटल्स के, लाइक फॉर एग्जाम्पल आयरन मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, बिल्कुल सही है कि आयरन मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के साथ रिच होती है। और उसके बाद इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्वेलिंग होती है ड्यूरिंग वेट पीरियड और श्रिंक कर जाती है ड्राई पीरियड, बिल्कुल आपने देखा होगा घरों में भी हम काली मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं जो छते बनाते हैं तो उस टाइम पे भी आपको ये चीजें नजर आती हैं, ठीक है। दैट मींस बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंशियंट इंडियन लिटरेचर जो यानी कि प्राचीन भारत के अंदर जो हमारे साहित्य लिखे गए हैं उनके लिए कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। सो फर्स्ट है हमारा जो हमारे ब्राह्मण है एंड अरण्यकास का मतलब क्या होता है, जो हमारी फॉरेस्ट की बुक्स लिखी गई होती है, ठीक है, फॉरेस्ट बुक्स लिखी होती है। ब्राह्मण का मतलब जो पढ़ा लिखा लिटरेचर लिटरेट पर्सन है, एंड फॉलोड बाय द फिलोसॉफिकल मनोवैज्ञानिक कहानियां हैं उपनिषद की, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये वाला, ठीक है, मनोवैज्ञानिक कहानियां ही है हमारी ये, क्लियर। एंड दूसरा है ब्राह्मण जो ब्राह्मणास के अंदर जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन है अबाउट वैदिक लिटरेचर एंड इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही ऑप्शन है जी, वैदिक लिटरेचर के बारे में और इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताता है, तो इसीलिए हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर ऑफ द स्टेट को अगर हमने अपॉइंट करना है, क्योंकि राज्य के अंदर गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है और ये कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, ऑन द एडवाइस ऑफ मतलब किसकी एडवाइस देते हैं, ये देते हैं जी आपके प्राइम मिनिस्टर। एक्चुअली अगर यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑप्शन होता तो आंसर सही था आपका, एग्जैक्ट आंसर इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, सो इसीलिए हमारा आंसर क्या बन गया, प्राइम मिनिस्टर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेसिस ऑफ द यूरिया इन लीवर, पहली बात तो यूरिया कहाँ बनता है, लीवर में बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो आपका किडनी है, किडनी का काम क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, जो उसके बाद आपका यूरिन फॉर्मेशन होता है। एंड जो यूरिया है, यूरिया के अंदर जो है आपका NH2CO, NH2 होता है आपका यूरिया का फॉर्मूला। एंड लीवर जो है हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये ध्यान रखना, एंड सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन, और उसके बाद जो फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारा वो है स्किन है, ठीक है। एंड देखते हैं ये यूरिया कैसे बनता है, यूरिया क्या करता है, नाइट्रोजन से अमोनिया, अमोनिया से यूरिया बनता है। इस चीज को देखा किसने था, पहले ऑर्निथिन ने देखा था, ऑर्निथिन ये साइंटिस्ट है, ऑर्निथिन इन्होंने देखा था तो इन्होंने अपने नाम से बता दिया था, ऑर्निथिन साइकिल, क्लियर। सो बी इज द राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट हाइएस्ट वैल्यू अल्टरनेटिव यूज ऑफ दैट रिसोर्स। Like for example, if you are spending the money and the time going to a movie, अगर आप movie देखने जा रहे हैं तो आप spend क्या कर रहे हैं, time भी और money भी, but you cannot spend a book, you cannot spend that time at a home reading a book, यानी कि आपने उस time पे वही time अपना book read करने में भी लगा सकते थे, but you can't spend the money on something else, तो इसके कारण आप किसी चीज के ऊपर आप और पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है। दैट मींस सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज फॉरगोन, क्लियर। सो दिस इज द राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। फरक्का प्रोजेक्ट रिवर, ये गलत है जी, गंगा रिवर के ऊपर है, ठीक है, गंगा रिवर के ऊपर है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है, यानी कि नॉट में सही हो गया। सेलल प्रोजेक्ट, ये है आपका चिनाब के ऊपर सही है जी, का ही प्रोजेक्ट रिवर तापी के ऊपर है। सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट आपका रिवर नर्मदा के ऊपर है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल ग्रामर जो है सबसे अर्लीस्ट एक्सटेंट ऑफ तमिल लिटरेचर, तमिल ग्रामर पहली कौन सी लिखी गई थी, वो लिखी गई थी टोलका पीएम। टोलका पीएम किसने लिखी थी, टोलका पीआर। क्लियर, याद रखना है आपको ये चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टोलका पीआर जी ने ये पहली बुक लिखी थी, ये फर्स्ट तमिल लिटरेचर था हमारे इंडिया के अंदर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। ठीक है, पहला है अगर आपकी लोकसभा के अंदर पर्सन को मतलब मेंबर बना है तो उसकी एज 25 ईयर चाहिए, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा, ए पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एट द सेम टाइम, नो इट्स नॉट द राइट, क्योंकि आपका एक पर्सन को उसको रिजाइन करना पड़ता है दूसरी जगह से। ठीक है, उसके बाद है, पर्सन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन फ्रॉम ए जनरल सीट, सीट नहीं है सीट ऑल्सो, एंड नॉट जस्ट विद द रिजर्व सीट। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, If a member of the either house of the either of the houses vote against the direction given by his party, he can be deemed to be disqualified. बिल्कुल anti-defection law लग जाएगा, anti-defection law लग जाएगा इसके ऊपर। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये भी। ठीक है, यानी कि 1, 3 and 4 तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट हो गई है। ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट, तो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, फॉल्स का पूछा है, तो फॉल्स कौन सी होगी हमारी, सेकंड वाली, तो इट मीन्स ओनली सेकंड इज अ राइट। क्लियर, ओनली सेकंड इज अ फॉल्स, इसलिए हमारा आंसर, ये आंसर सही बन गया। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही था। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाएं। एंड अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं पहली बार तो आपका क्या, कैसा आपका रिएक्शन है इस वीडियो को देखने के बाद, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके यहाँ पे बहुत सारी चीजें भी मिल रही होंगी, आपको आइकन्स मिल रहे होंगे, तो उसको सर्च करके आप दूसरी वीडियोज को अभी जो है एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कोई भी क्वेश्चन आप बेझिझक पूछ सकते हैं मुझसे जीएस के रिगार्डिंग, एनीथिंग यू कैन आस्क फ्रॉम मी। क्लियर, सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।